गाइस आए हैं सोनपुर मेला, देख सकते हो नजारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस अगर आप सस्ते में थिएटर देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो, मात्र 30 रुपये टिकट है और यहाँ पर बुकिंग करके यहाँ अच्छे से आनंद ले सकते हो। यहाँ पर झरना भी बनाया गया है, आप पानी का यहाँ पर आनंद ले सकते हो। काफ़ी औसम लगती है जब रात को लाइटिंग के साथ ऐसे दोस्तों बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज मेला में काफ़ी बहुत कम भीड़ था, जो आज मस्ती के साथ घूम सकते हो, क्योंकि संडे को भाई मत आना, काफ़ी भीड़ रहता है संडे को। लेकिन संडे को भी तेज़ी से आप मिल सकते हो। यहाँ पर कुछ ऐसे चित्र नृत्यकला बनाया गया है, यहाँ पर चित्र देख सकते हो, और यहाँ पर रंग बिरंग के आपको पौधे मिल जाएंगे, फूल का पेड़ बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सब पेड़ मिल जाएंगे आपको, जैसे गोभी, बहुत आइटम का आपका, सब्जी का, फूलों का, बहुत पेड़ रंग बिरंग के मिलेगा। और फाइनली मैंने जस्ट गंगा यहाँ आया, यहाँ पर गंडक नदी से यहाँ पर मिलने, और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी उसके बाद मैंने यहाँ पर झूला झूलने लगा, देख सकते हो काफ़ी हाइट वाली ये झूला है। ये झूला आप ज़रूर झूलना, यहाँ पर 50 रुपये टिकट आपको लगेंगे। 50 रुपये टिकट के साथ यहाँ पर झूल सकते, कोई भी झूला यहाँ झूलिए, आपको 50 रुपये टिकट देने ही पड़ेंगे। मौत के कुआं जो भी हो दोस्तों, मैंने मौत के कुआं अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। काफ़ी मस्ती के साथ मैंने तो नीचे मूव करके झूला को काफ़ी अंदर से काफ़ी अच्छा नज़ारा लगता है। जब झूले ऊपर उठती है तो चारों तरफ का दृश्य देख सकते हो। और यहाँ पर आप यहाँ पे कुत्ता बाजार, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे सस्ते में आपको सभी जानवर मिलेंगे। यहाँ पे झबरा कुत्ता, बड़ा कुत्ता, देसी कुत्ता, सभी का मैंने दाम पूछा है, मात्र आपको 300 रुपये में झबरे कुत्ते मिलेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा चूजा ले सकते हो, काफ़ी सस्ते में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डॉगी भी छोटे छोटे है। इस झबरे कुत्ते की प्राइस मुझे लगभग 700 रुपये बताया गया था, तो आप यहाँ पर परचेस कर सकते हो। यहाँ पे आप जो भी मर्जी वहाँ पर, अब यहाँ पे कोई भी पंछी, कोई भी बर्ड्स आप यहाँ पे खरीद सकते हो। यहाँ पे रैबिट्स देख सकते हो, कितना प्यारा औसम देखने में लग रहा है। वैसे यहाँ पर मैंने रेल यात्रा की, यहाँ पर कुछ फ्रैक माल्स भी आपको 10 रुपये यहाँ हरेक माल देखने को सेल मिल जाएंगे, और बाकी आपको 20 रुपये भी मिलेंगे। और यहाँ पर मैं ट्रेन यात्रा के समय यहाँ पर आया, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में भी बताया गया था, और बाकी भी ट्रेन के बारे में बताया गया था। यहाँ पर देख सकते हो वंदे भारत ट्रेन किस तरह से होती है, कैसे मूव करती है, सारा कुछ यहाँ पर बताया गया। टैक वैगन यहाँ पर कैसा है, और यहाँ पर बाकी VCN बैनल मतलब कैसा बनाया गया था, सारा कुछ इसमें आपको दर्शाया गया है, किस तरह से मतलब उसकी पार्ट्स को जोड़ा गया था और वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन को तैयार किया गया था। यहाँ पर देखिए VLC बैनर, मतलब यहाँ ट्रेन का जो भी होता है एक पार्ट्स, मेन पार्ट्स, सारा कुछ यहाँ पर आपको शो करने को दिख जाएगा। यहाँ पर आप डिटेल इंजन भी है, यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर डिटेल आपको दिखा दी हूँ, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर भी सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, और बाकी यहाँ पर कुछ इस तरह से दृश्य है। चलिए यहाँ पर आपका ट्रेन किस तरह से नक्शा बताया गया है सिटी का, गाइस उसके बाद मैंने इसके अंदर मूव कर दिया था। तो यहाँ पर ही फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दृश्य यहाँ पर मिलने को देखेंगे। यहाँ पर देखिए जब शादी होती है उसके बाद क्या आगे का प्रोसेस होता है पति पत्नी का, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। पहले बच्चे होते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बच्चे के बाद बूढ़ा होता है तो क्या होता है, उसके बूढ़े के बाद यहाँ मरण। मेला का सबसे बड़ा यहाँ पर पंडाल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा पंडाल के लिए विकसित है, और यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है सोनपुर मेला का, जो आप नाइट में भी देख सकते हो। यहाँ हमेशा प्रोग्राम होते रहता है, तो वहाँ पर मैंने फाइनली विजिट किया। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पंडाल का कुछ इस तरह से माहौल होने के बाद, फिर नेक्स्ट स्टॉप में यहाँ पर आप देख सकते हो पुराने मतलब बंदूक, तोप, ये सब मिसाइलें होती, सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद मैंने वहाँ से मूव करने के बाद फिर मेले में विजिट किया, तो यहाँ पर फिर भी भीड़ थोड़ी थोड़ी देखने को मुझे बढ़ रही थी, क्योंकि यहाँ का मेला का नज़ारा ही काफ़ी आज नाकूल डे था, क्योंकि आज सन भी सही से उगा हुआ था। मेला काफ़ी औसम दिखने में लग रहा था, चारों तरफ का नज़ारा काफ़ी मस्तियाँ वाली थी। दिन के बाद मैंने यहाँ पर खूब मस्तियाँ किया, उसके बाद यहाँ पर नाटक चल रहा था, तो मैंने नाटक देखने आया,
दोस्तों मेरा इस मेला के एपिसोड में बहुत सारे क्लिप्स मेरे को अभी छूट चुका है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक वीडियो महिंद्रा का अगारी को भी बहुत सारे ब्लॉग समय वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।